हाय दोस्तों, नमस्ते। हम सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं जिसका नाम है गुज्जू चटाको। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए हैं सैंडविच खाने के लिए, जो स्टोर का नाम है बॉम्बे सैंडविच। यहाँ पे मिलता है बॉम्बे स्टाइल सैंडविच। सर जी, आपका नाम? जयेश हरिश्चंद्र भोसले। ओके जयेश जी, आपने ये शॉप कब ओपन किया था? ये मैंने करीबन 22 साल हो गए मेरे। 22 साल हो गए। तो आपने मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने का क्यों सोचा था? ऐसे मैं पहले जॉब कर रहा था, फिर जॉब में मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। क्या फिर मैंने सोचा कि कुछ अपना खुद का बिजनेस करूँ। अच्छा। क्या तो मैंने धीमे धीमे ये चालू किया। ओके। आज मैं 22 साल हुए मेरे धंधे में। ओके। तो आपको सैंडविच बनाना पहले से आता था या? नहीं नहीं आता था मुझे, लेकिन मैं सीख गया देख देख के। अच्छा, आप देख देख के सीख गए? देख देख के सीख गया मैं। ओके। तो आपके पास कौन सी आइटम्स मिलते? मेरे पास ग्रिल सैंडविच है। okay. कच्ची सैंडविच है, और ज़्यादा करके मेरा कच्चा काम ज़्यादा है यहाँ। okay. क्या और तो ग्रिल सैंडविच पिज्ज़ा भी नहीं बना रहा हूँ, पहुँच नहीं पा रहा, इसलिए खाली ग्रिल सैंडविच और कच्चा सैंडविच बना रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से सैंडविच? वेज चीज़। ओके। और आपके शॉप का टाइमिंग क्या रहता है? मेरा टाइमिंग है शाम को 4 बजे से 10:30-11 बजे तक। अभी लॉकडाउन के हिसाब से टाइमिंग है। अच्छा। क्या? ओके। और सारे दिन ओपन होता है या? हाँ, सारे दिन ओपन रहता है। संडे को भी? नहीं, कोई नहीं, हर दिन, हर दिन एवरी डे चालू रहता है। एक बार उनसे एड्रेस भी जान लेंगे। ये मेरा एड्रेस है बॉम्बे सैंडविच, जुबली गार्डन के पीछे। okay. खत्री पोल के नाके पे। ओके। सो अभी हम इनके सैंडविच टेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसी टेस्ट है।
ये सैंडविच की एक खास बात है, नॉर्मली बटर ब्रेड पे लगाया जाता है लेकिन यहाँ पे उन्होंने बटर ग्रेट किया हुआ, तो वो एक यूनिक कंसेप्ट है। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर है वो है चीज़ है, और नीचे की ओर जाओगे तो ये देखिए ये बटर। तो आइए हम लोग टेस्ट करते। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। जैसे ही मुंह में जाएगा तो पहले चीज़ का टेस्ट आएगा, फिर बटर का टेस्ट आएगा, और फिर उन्होंने जो उनका मसाला डाला हुआ है, चाट मसाला जो डाला हुआ है, फिर उनकी जो हरी चटनी पुदीने की चटनी है, वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है, एक नंबर। ज़रूर आइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पर बॉम्बे सैंडविच पर। तंदूरी ग्रिल्ड पनीर सैंडविच बनाते टाइम तो आपने देखा ही है कि उसमें बहुत सारी वेजीज है, और ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, उनका एक बारबेक्यू सॉस था, और तंदूरी मेयो, ये चारों चीज़ों से सैंडविच बनाए, ऊपर से चीज़ के साथ उन्होंने टॉप अप किया है। देखते खा के कैसा टेस्ट है इसका। पहली बार मैंने तंदूरी सैंडविच खाया, बहुत यूनिक फ्लेवर आ रहा है। उन्होंने जो वेजीज थी वो पहले से किसी सॉस में मैरिनेट करके रखी थी, लेकिन जो टेस्ट आ रहा है सैंडविच का, एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ग्रिल की वजह से। नहीं नहीं तो भी उन्होंने कम से कम 4 से 5 मिनट तक उसको ग्रिल किया, और उसके बाद फिर ऊपर से चीज़ डाल के हमें दिया है। तो ज़रूर आके टेस्ट कीजिए और बताइएगा कैसा लगा आपको। हमारी चैनल है गुज्जू चटाको, जिसको आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। कुछ कमेंट है आपके, कुछ सजेशन है तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। कोई सजेशन है किसी जगह का तो ज़रूर बताइए, हम वहाँ जाके टेस्टिंग करेंगे और आपको उसका रिव्यू देंगे। लेकिन आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको ग्रिल्ड सैंडविच पसंद है, चीज़ सैंडविच पसंद है, इनके पास समोसा चीज़ सैंडविच भी है, तो उनको टैग कीजिए और यहाँ आके टेस्ट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा है। एक बात बताना तो भूल ही गया, भारतीयों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। अरे पान पराग नहीं, मैं कोविड के बारे में बताना एक्चुअली भूल गया। आप सभी जानते हो और भगवान की कृपा से गुजरात में आज केसेस बहुत ही बहुत ही कम हो गए, सो क्यों ना ये हम जारी रखें, प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहे, मास्क पहनते रहे, हाथ सैनिटाइज करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और वैक्सीन ले लीजिए जब भी आपका वैक्सीन का स्लॉट ओपन हो, शेड्यूल हो, तब तब तक के लिए थैंक यू मेरे और प्रतीक की ओर से। टेक केयर, गुड बाय।